मेरा नाम अमृत तिवारी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, ठीक है। अपने अपने घरों में खूब अच्छे से काम कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद है कि लगभग लोग आप सभी में से जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम देने वाले होंगे, ठीक है। तो देखो भाई, जवाहर नवोदय विद्यालय सलेक्शन टेस्ट क्लास 6 2022 का फॉर्म कब तक आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग लगातार कमेंट कर रहे हो, कुछ लोग जीमेल कर रहे हो, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो, कई लोग तो ज़्यादा होशियार हैं फेसबुक पे भी मैसेज कर दे रहे हो, ठीक है। तो देखो, आप लोग की थिंकिंग है कि भाई फॉर्म कब तक आएगा। मैं मान रहा हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाँ, नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब तक आता है और इस साल फॉर्म कब तक आ सकता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म है वो कब तक आएगा, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसको फिल करने के बाद एडमिट कार्ड आता है और हम पेपर में बैठते हैं, वो फॉर्म कब तक आता है और कब तक आएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, वो फॉर्म हमेशा सितंबर से लगा करके नवंबर के बीच में आता है, ठीक है। यानी कि सितंबर में आ सकता है लेकिन बहुत कम सितंबर में आता है। मेनली वो फॉर्म अक्टूबर स्टार्टिंग में आ जाएगा और नवंबर के लास्ट तक रहता है, ठीक है। अब तो चूंकि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, पहले फॉर्म ऑफलाइन होते थे। अब आप लोग पूछोगे भैया फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पहले फॉर्म ऑफलाइन होते थे तो जाकर के आपको नवोदय विद्यालय से लेना पड़ता था, या फिर कई सारे ऐसे बुक डिपो वगैरह थे जो कि आपको देते थे। बट इस समय जो है सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.nvs.gov.in पर जाइए, और अगर नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है तो गूगल पे टाइप कीजिए नवोदय विद्यालय, या फिर NVS या फिर GNV कुछ भी टाइप कीजिए, पहली वेबसाइट नवोदय विद्यालय की आएगी। आप उस पर जाकर के आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको अभी के अभी क्लियर कर दूँ, हर बार जो फॉर्म आता है वो नॉर्मली अक्टूबर में आ जाता है और नवंबर के लास्ट तक रहता है, ठीक है। 15-20 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, हो सकता है कि 15 सितंबर को आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपका मतलब कि अक्टूबर 15 अक्टूबर को आ जाए, ठीक है। तो 15-20 दिन ऊपर नीचे होता है, बट नॉर्मली जो फॉर्म का पीरियड होता है वो अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक में ही रहता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कहाँ से पाना है, तो नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो पा जाना है और आसानी से उस फॉर्म को फिल कर लेना है। काफ़ी ईजिली प्रोसेस होता है, आप फिल करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, और सबमिट करके जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो होप करता हूँ, अभी रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। अभी एक चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो, नवोदय विद्यालय के रिगार्डिंग हर एक टॉपिक पे वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप दिल से नवोदय विद्यालय को क्रैक करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर नहीं चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है। बट अगर चाहते हो दिल से नवोदय क्रैक करना, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है सीखने के लिए, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।